अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सब लोग का। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो, मैं इस वक्त मौजूद हूँ धौलर गांव के अंदर। तेलंगाना के साथ तकरीबन 20-22 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है। और आज की वीडियो का मकसद है कि आपको मुकम्मल पीनट हारवेस्टिंग दिखाना, मूँगफली कैसे कटाई होती है, फिर थ्रेशर जो जिसमें सफाई होती है मूँगफली की, फिर उसको सुखाया किस तरीके से जाता है, मंडी तक लेके जाने का सारा प्रोसेस। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अच्छा, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, इसको बोला जाता है डिगर। ये सबसे पहला स्टेप होता है ट्रैक्टर के साथ लगा के मूँगफली को, आप कह लेंगे जिससे ज़मीन से उखाड़ा जाता है, या जिसे हमारी यहाँ पंजाबी में कहते हैं मूँगफली की पटाई। फिर इसको छोटी छोटी ढेरियाँ बना के उसी जगह पे छोड़ दिया जाता है धूप के अंदर, ताकि 2 दिन मूँगफली को धूप लगे और वो अच्छे तरीके से खुश्क हो। गीली मूँगफली को थ्रेशर वाला मामला नहीं किया जाता गीली मूँगफली के साथ। फिर इसी को इसी तरीके से बड़ा ढेर बना के रख दिया जाता है, और जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो थ्रेशर का होता है, जहाँ पे मूँगफली की फल की सफाई होती है। अच्छा, ये जो प्रोसेस अभी आपको नज़र आ रहा है, ये चुनाई का प्रोसेस है। जो मूँगफली ज़मीन के अंदर रह जाती है, जो दाने अपने पौधे से अलग होकर ज़मीन के अंदर रह जाते हैं, उसके लिए ये मशीन इस्तेमाल होती है। ये ज़मीन से निकाल के मिट्टी काफ़ी उड़ाता है ये प्रोसेस, लेकिन ये ज़मीन से उन दानों को निकालता है और इस तरीके से छानने का एक इसके अंदर सेटअप लगा हुआ होता है, जिससे दाना अलग हो जाता है। ये देखें जी, ये एक साइड से हासिल की गई मूँगफली है जो चुनाव वाली मशीन ने निकाली है। अच्छा, ये माशाल्लाह से जी थर्ड स्टेप होता है। पहले तो मूँगफली देखें कितनी बेहतरीन माशाल्लाह से। जब थ्रेशर वाला मामला हो जाए ना, दाना अलग हो जाता है, तो नेक्स्ट फिर इस तरीके से छतों पे आके ना, हर गांव के अंदर अपने छत पे आकर इस तरह से मूँगफली फैला दी जाती है ताकि वो खुश्क हो ले। और जिस वक्त मूँगफली खुश्क हो जाती है अच्छे से, तो फिर इस तरह की बोरी वगैरह होती है, जिस तरह ये देखें इसके अंदर डाली गई है मूँगफली। ये देखें माशाल्लाह से बोरियों में मूँगफली भर के, और फिर उसका सफ़र शुरू हो जाता है मंडी की जाने। अच्छा खैर भाई भाई, आप बाकी बातें अपनी जगह, लेकिन भाई जो खाना खाया ना, आया है हाय, मज़ा नहीं आ गया। मक्खन घी में नहाई हुई रोटियां, ऊपर शहद, चटनी, लस्सी, चस आ गई। वीडियो यहीं तक थी। आपको अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने तकरीबन मुकम्मल प्रोसेस दिखा दिया है, किस तरीके से कटाई होती है मूँगफली की, किस तरीके से थ्रेशर या मूँगफली की जो सफाई का मरहला होता है, मतलब उसको अपने जो मेन उसका पौधा होता है उसको किस तरीके से अलग किया जाता है, और किस तरीके से छत के ऊपर बिछाया जाता है, किस तरीके से उसको खुश किया जाता है, फिर उसकी किस तरीके से मुख्तलिफ बोरियों के अंदर या उसकी पैकिंग की जाती है, जहाँ से उसको मंडी में लेके जाया जाता है। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपको दे सकूँ मंडी की, तेलंगाना की मंडी की क्या सिचुएशन है। माशाल्लाह से मूँगफली के लिहाज से तो हमारा इलाका सबसे ज़्यादा मशहूर है, तेलंगाना हो गया, चकवाल हो गया, तो मंडी की पोजीशन आपको बताऊँगा। मैं बैठ गया पहले 1 मिनट के लिए, और मंडी की पोजीशन के बाद रेट्स क्या हैं, क्या अच्छे सेलर्स हैं तेलंगाना के अंदर, मैं कोशिश करूँगा कि किसी का आपको नंबर भी दे दूँ, नंबर भी शेयर करूँगा, बल्कि यही कोशिश करूँगा कि जिनकी जगह पे मैं मौजूद हूँ, जिनके तवसत से ये वीडियो बना रहा हूँ, उन्हीं के शेयर करूँगा। माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा बिज़नेस है भाई का इस हवाले से, और सर्दियों की आमद आमद है, और क्या कहते हैं, हर बंदा इसको बच्चे से लेके बूढ़े तक इसको शौक़ से खाते हैं, तो इंशाल्लाह ताला से ये वीडियो आपको पूरा का पूरा फ़ायदा देगी, इस लिहाज से भी कि आपको इन्फॉर्मेशन भी दी है, और इस लिहाज से भी कि तेलंगाना से आपको एक अच्छे सेलर भी मिल जाएंगे जिनसे आप बाय कर सकते हो, चाहे आपको बल्क क्वांटिटी में चाहिए, आपको अपने बिजनेस के लिए चाहिए, जिस रूटीन में भी चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, और आज की वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आपने करना है। टिल नेक्स्ट टाइम।
इजाज़त दीजिए, फ़ी अमान अल्लाह।